दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है। आप सभी जानते होंगे बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है अपने चुनावी प्रचार करने के लिए। लेकिन उससे पहले पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों का एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आया है, ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 243 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी यानी एनडीए और यूपीए के अंदर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कौन कितनी सीटें जीतेगा ये हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी की तरह के चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों ये जो सर्वे सामने आया है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का सर्वे है। इसमें सबसे पहले पहले चरण के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें लोगों से पूछा गया कि आपके लिए मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद कौन है, तो नीतीश कुमार को लोगों ने 30% माना है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जबकि तेजस्वी यादव को 25% और सुशील मोदी को सिर्फ 10% ही माना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर बात करें काम की तो यहां पर एनडीए के सही काम कहने वाले लोग 35% थे, जबकि खराब काम कहने वाले 45% लोग थे और ठीक ठाक कहने वाले 20% लोग ही थे। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो खराब कहने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों के आंकड़े क्या हो सकते हैं। तो चलिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं 71 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के जरिए से एनडीए के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं, 71 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में, इसमें से बीजेपी 12 सीटें पा सकती है और जेडीयू के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। अगर बात करें यूपीए की तो यूपीए के खाते में 29 सीटें जा सकती हैं, 29 सीट्स यूपीए के खाते में जाएंगी, जिसमें से जो है आरजेडी के खाते में 19 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 सीटें और अदर पार्टीज के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। ये है ताजा सर्वे का आंकड़ा। आपके हिसाब से बिहार के पहले चरण की 71 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन जरूर प्रेस करिए।